इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस ट्वेल्व इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए इसकी शॉर्ट ट्रिक है वन ओवर पहले इन दोनों की माइनस करनी है ट्वेल्व माइनस सिक्स सिक्स फिर लॉग छोटे वाली टर्म है एक्स प्लस सिक्स वो न्यूमिनेटर में आएगी और जो बड़े वाली टर्म है एक्स प्लस ट्वेल्व वो डिनोमिनेटर में प्लस सी इंटीग्रेशन टेन एक्स टैन टू एक्स टेन थ्री एक्स डी एक्स एक्स प्लस टू एक्स का सम अगर थ्री एक्स है तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए इसकी शॉर्ट रिक है पहले टेन थ्री एक्स है इंटीग्रेशन टेन थ्री एक्स डी एक्स फिर माइनस इंटीग्रेशन टैन टू एक्स डी एक्स फिर माइनस इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स टेन थ्री एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग सिकेंड एक्स सिकेंड थ्री एक्स ओवर थ्री फिर माइनस टेन टू एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सिकेंड टू एक्स ओवर टू फिर माइनस टेन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सिकेंड एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन टेन टू एक्स टैन थ्री एक्स टैन फाइव एक्स डी एक्स टू एक्स और थ्री एक्स का सम अगर फाइव एक्स है तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए इसकी शॉर्ट रिक है पहले टेन फाइव एक्स इंटीग्रेशन टेन फाइव एक्स फिर माइनस टेन थ्री एक्स डी एक्स फिर माइनस इंटीग्रेशन टेन टू एक्स डी एक्स टेन फाइव एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेकेंड फाइव एक्स ओवर फाइव माइनस टेन थ्री एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेकेंड थ्री एक्स ओवर थ्री फिर माइनस टेन टू एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेकेंड टू एक्स ओवर टू प्लस सी इंटीग्रेशन जीरो टू पाई ओवर टू कॉस रेस टू पावर फोर एक्स डी एक्स अगर कॉस की पावर इवन नंबर है तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए इसकी शॉर्ट ट्रिक है पहले जो फोर से छोटे और नंबर है वो लिखने हैं थ्री इंटू वन ओवर फिर फोर से स्टार्ट करने हैं छोटे इवन नंबर लिखने हैं फोर इंटू टू और साथ में आएगा पाई ओवर टू ओवर टू तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा थ्री ओवर सिक्सटीन पाई इंटीग्रेशन जीरो टू पाई ओवर टू साइन डेज टू पावर सिक्स एक्स डी एक्स अगर साइन की पावर इवन नंबर है तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए इसकी शॉर्ट रिक है पहले सिक्स से छोटे और नंबर है वो लिखने हैं फ़ाइव इंटू थ्री इंटू वन ओवर फिर सिक्स से स्टार्ट करके जो इससे छोटे इवन नंबर हैं वो लिखने हैं सिक्स इंटू फोर इंटू टू इंटू और साथ में आएगा पाई ओवर टू कैंसिल करेंगे थ्री टू जार सिक्स तो ये आएगा मल्टीप्लाई करके फाइव ओवर थर्टी टू पाई इंटीग्रेशन जीरो टू पाई ओवर टू कॉस के एक्स डी एक्स कॉस की पावर इवन नंबर है तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है पहले टू से छोटे और नंबर है वन ओवर फिर टू से स्टार्ट करने हैं इवन नंबर तो टू ही अकेला इवन नंबर और साथ में पाई ओवर टू तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा पाई ओवर फोर इंटीग्रेशन वन ओवर एक्स एक्स रेस टू पावर फाइव माइनस वन डी एक्स अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है पहले वन ओवर फाइव फिर लॉग एक्स रेस टू पावर फाइव माइनस वन ये वाला एक्स रेज टू पावर फाइव वो डिनोमिनेटर में प्लस सी इंटीग्रेशन ए पाए टू बी पाए मॉड कॉस एक्स डी एक्स या फिर इंटीग्रेशन ए पाए टू बी पाए मॉड साइन एक्स डी एक्स अगर इन दोनों में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इन दोनों की ए की शॉर्ट ट्रिक है टू इंटू बी माइनस ए इंटीग्रेशन माइनस पाए टू फाइव पाए मॉड साइन एक्स डीएक्स टू इंटू पहले इसमें बी है बी मीन्स फाइव माइनस ए मीन्स माइनस वन तो टू इंटू फाइव माइनस और माइनस प्लस फाइव प्लस वन सिक्स टू इंटू सिक्स ट्वेल्व नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन माइनस पाए टू फाइव पाए मॉड कॉस एक्स डीएक्स अब इस पर भी सेम फॉर्मूला लगेगा टू इंटू बी माइनस ए बी मीन्स फाइव माइनस ए की वैल्यू माइनस वन टू इंटू फाइव माइनस और माइनस प्लस फाइव प्लस वन सिक्स टू इंटू सिक्स ट्वेल्व